तो इस समय आप लोगों को आईआईटी चाहिए एडवांस में पूछा हुआ एक प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ, और ये एसएचएम का प्रॉब्लम है, रोलिंग मोशन के कॉन्सेप्ट बेस्ड है, एसएचएम इन रोलिंग मोशन, ओके। और ये आईआईटी में कॉम्प्रिहेंशन में दो बार आ चुका है, एक बार सिलेंडर था उसमें दो स्प्रिंग लगे हुए थे और फिर क्वेश्चन पूछा था एसएचएम का, और एक बार खुद स्फीयर के ऊपर आया था और मैं डिस्क के ऊपर इसकी एनालिसिस करने जा रहा हूँ, ओके। तो इसमें एक डिस्क है जिसका मास एम है, रेडियस आर है, इसके सेंटर को मैं स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के से एक क्लैंप से जोड़ दिया हूँ, ग्राउंड सफिशियंट रफ है। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अगर इसके सेंटर को एक एक्स का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दें और छोड़ दें तो फिर बताइए कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा, इसका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर इसका सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशिएंट सिर्फ 3/2 हो तो बताइए इसके सेंटर को आप मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट देंगे और छोड़ेंगे तो बॉटम पे स्लिपिंग नहीं होगी। तो वही पूछ रहा हूँ कि और सेकेंड क्वेश्चन है कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज 3/2 देन फाइंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ प्योर रोलिंग मोशन। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहता हूँ कि क्या हो रहा होगा। तो चूंकि बॉटम पे स्लिपिंग तो नहीं हो रही है तो प्योर रोलिंग है, और इसके ऊपर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, अगर मैं इसके सेंटर को एक्स का डिस्प्लेसमेंट दूँ तो ये ऐसे मोशन करेगा, ऐसे कर तो यहाँ पे जाएगा रेस्ट में आ गया। अब मैं इसके यहाँ से रिलीज करूँगा तो स्प्रिंग तो कंप्रेस्ड है, वो इधर धक्का मारेगा तो ये इधर आएगा और आते आते इसकी स्पीड बढ़ने लगेगी और यहाँ पे बढ़ के मैक्सिमम हो जाएगी क्योंकि स्प्रिंग नेचुरल में आ गया। उसके बाद फिर ये आगे की ओर जाएगा और स्पीड घटेगी और घट के जीरो हो गई, फिर एक्सट्रीम पे आ गया। तो ये एक्सट्रीम जहाँ पे स्पीड जीरो, फिर यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम, फिर स्पीड जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर स्पीड जीरो, तो इसका मोशन ऐसे ऐसे होता रहेगा। अब इस पर अगर मैं बहुत सारे पार्टिकल्स हैं उनके मोशन के विषय में सोचो, थोड़ा टाइम पीरियड सोचते हैं, हर पार्टिकल का टाइम पीरियड मैं बताने जा रहा हूँ, ओके। तो ज़रा देखिए, तो अगर मैं इसके सेंटर की बात करूँ तो इसका सेंटर अगर यहाँ पे है तो ये जो पॉइंट है ना, टॉप वाला पॉइंट हो यहाँ पे, जब इसका सेंटर इस एक्सट्रीम पे जाएगा तो ये भी पॉइंट ऐसे होके इस अपने एक्सट्रीम पे आएगा। तो जिस वक्त इसके सेंटर की वेलोसिटी जीरो होगी ना, उस वक्त इस डिस्क पे लाइक करने वाला हर पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होगी, मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होगी। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि अगर सेंटर एक्सट्रीम पे जा रहा है तो इस डिस्क पे लाइक करने वाला हर पॉइंट अपने एक्सट्रीम पे होगा क्योंकि सबकी वेलोसिटी जीरो होगी। हाँ, वो अलग बात है कि सेंटर स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा होगा और बाकी पार्टिकल कर्व पे मोशन कर रहे होंगे। तो चलिए फिर बात करें, तो सेंटर यहाँ से यहाँ तक गया तो मीन से एक्सट्रीम तक जाने का टाइम T/4 है, तो इस पे लाइक करने वाला जितने पार्टिकल होंगे सबको भी अपने एक्सट्रीम पे जाने का टाइम T/4 हो, फिर ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो जब हर पार्टिकल एक्सट्रीम पे एक साथ जाएंगे, हर पार्टिकल अपने मीन पे एक साथ आएंगे, हर पार्टिकल अपने इस एक्सट्रीम पे एक साथ जाएंगे, फिर इस मीन पे एक साथ आएंगे, फिर इस एक्सट्रीम पे एक साथ जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे लाइक करने वाला हर पॉइंट का टाइम पीरियड एग्जैक्टली सेम है। तो चूंकि हर पॉइंट का टाइम पीरियड एग्जैक्टली सेम है तो मैं इंटरेस्टेड हूँ कि किसी एक ऐसे पॉइंट के मोशन को ऑब्जर्व करूं जिसका मोशन स्ट्रेट लाइन हो। इससे फायदा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा तो लीनियर एसएचएम हो गया, और मैं जानता हूं कि अगर लीनियर एसएचएम है तो मैं उसको ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करा दूंगा, ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी, फिर टाइम पीरियड इज 2π/ओमेगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन है कि इसमें स्ट्रेट लाइन मोशन कौन सा है, तो पता है ये जो सेंटर ना स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। तो इसमें बताना चाहूंगा कि जब भी रोलिंग मोशन के अंदर एसएचएम चल रहा हो ना, तो कोशिश करिए उस पॉइंट के मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए जो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा हो, और एक बार अगर हमने पता कर लिया उस पॉइंट को जो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है तो उसको हम एक्स का डिस्प्लेसमेंट देंगे और किसी को नहीं, उसको एक्स का डिस्प्लेसमेंट देंगे, उसका एक्सेलरेशन ए अज्यूम करेंगे और इस ए और इस एक्स में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, और ए और एक्स में रिलेशन मिल गया, कंपेयर करा देंगे ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, ओमेगा मिल गया, नाउ टाइम पीरियड इज 2π/ओमेगा। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। अब इसको भी सॉल्व करने के लिए हम लोग बेसिकली दो अप्रोच का हेल्प लेते हैं, एक एनर्जी मेथड का हेल्प लेते हैं और दूसरा जो लेते हैं फोर्स मेथड का हेल्प लेते हैं। तो फोर्स मेथड में भी हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं सॉल्व, एक बेसिक अप्रोच से जहाँ पे मैं इसकी एबीडी बनाऊंगा, ए बराबर एम ए सी एम लिखूंगा, टॉक बराबर आई सी एम अल्फा लिखूंगा, ए बराबर आर अल्फा लिखूंगा, उसके बाद ए को एक्स के टर्म में लिखूंगा और एक बार ए एक्स के टर्म में आ गया तो हमारा आंसर आ गया। और यही इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग आई सी आर का भी हेल्प लेंगे। तो स्टेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन के हेल्प से हम लोग इस टॉर्क फोर्स का इक्वेशन और ए बराबर आर अल्फा को हम लोग एक लाइन में सॉल्व कर लेंगे, फिर ए बराबर आर अल्फा लिख के इक्वेशन लिख के सॉल्व कर देंगे, और उसके बाद सेकेंड अप्रोच में हम लोग एनर्जी का हेल्प लेंगे। तो चलिए
सबसे पहले बेसिक का प्रोसेस सॉल्व करता हूँ। तो मैंने इस डिस्क की एबीडी बनाई, तो जब मैंने इसके सेंटर को एक्स का डिस्प्लेसमेंट दिया इस डायरेक्शन में, और इधर डिस्प्लेसमेंट दिया तो मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैंने इधर दिया है तो डिफॉल्ट केस में उधर पॉजिटिव माना भी जाता है, तो मैंने इधर एक्स का डिस्प्लेसमेंट देके पॉजिटिव मान लिया। ओके, तो जब आप स्प्रिंग को एक्स का डिस्प्लेसमेंट देंगे तो स्प्रिंग इस पर फोर्स हो जाएगी कि एक्स के बराबर इधर लगाएगी। अब बात आती है बॉटम पे फ्रिक्शन की, तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट के वक्त कि चूंकि फ्रिक्शन स्टैटिक है तो डायरेक्शन का तो इशू ही नहीं है। डायरेक्शन मन करे तो आप इधर मानो, मन करे तो आप इधर मानो, जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी, साइन जो आएगा उसका, पॉजिटिव निगेटिव साइन, वो बता देगा कि आपने डायरेक्शन को गलत माना है कि सही माना है, लेकिन मैग्नीट्यूड वही रहेगा। तो जब भी स्टैटिक फ्रिक्शन होगा तो हमें टेंशन ही नहीं है कि मैं डायरेक्शन को किधर एज्यूम करूं। ओके, तो इसीलिए मैंने इस फ्रिक्शन को इधर क्यों दिखा दिया, कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन हाँ मैंने फ्रिक्शन इधर दिखाया है, लेकिन अभी कैलकुलेट करने के बाद बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को मैं फ्रिक्शन में चाहूँ तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ कि डायरेक्शन किधर होना चाहिए। कोई बात नहीं, पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो बेसिक एम है हमारा, तो मैंने इसकी एबीडी बनाई, स्प्रिंग फोर्स के एक्सिस दिखाया, फ्रिक्शन स्टैटिक इधर दिखाया, एक्सेलरेशन को मैंने इधर एज्यूम कर दिया क्योंकि मैंने एक्स इधर दिया है तो हमारे अनुसार एक्सेलरेशन भी इधर ही एज्यूम करना चाहिए, तो मैंने ये ऐसे दिखा दिया। और अल्फा का सेंस मैंने ऐसे दिखा दिया क्योंकि अगर प्योर रोलिंग ऐसे हो रहा है तो एक्सेलरेशन इधर, तो अल्फा को भी उधर दिखाना चाहिए ताकि हैंडलिंग अच्छी हो। चलिए ए बराबर में लिखते हैं, क्योंकि मैंने इधर पॉजिटिव माना है तो माइनस के एक्स माइनस फ्रिक्शन बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दिया, इसको इस डायरेक्शन को निगेटिव, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो माइनस के एक्स माइनस फ्रिक्शन बराबर एम ए। अब सेंटर ऑफ मास बाय टॉर्क लिखेंगे तो फ्रिक्शन का टॉर्क क्या आएगा, फ्रिक्शन इंटू आर आर, और फ्रिक्शन का टॉर्क और अल्फा का सेंस सेम है इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिखा, आर इंटू एफ आर बराबर आई सी एम अल्फा। और सेंटर ऑफ मास बाय चूंकि डिस्क है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगी, एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू अल्फा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। उसके बाद मैंने नो स्लिपिंग कंडीशन लिखी, ए बराबर आर अल्फा। तो ओके, तो हमने इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, इस आर को इस आर से कैंसिल कर दिया, और ए बराबर आर अल्फा है तो जहाँ पे आर अल्फा है वहाँ पे ए लिख सकता हूँ। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी एम ए अपान टू। कैसे हुआ, ये जो आर अल्फा है उसको जगह पे ए लिख दिया तो आ गया एम ए बाई टू। अब ये जो फ्रिक्शन आया उसको उठा के मैंने यहाँ पर रख दिया तो बन गया माइनस के एक्स माइनस फ्रिक्शन की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, फ्रिक्शन की जगह पे एम ए अपान टू बराबर एम ए लिख लिया, इसको इधर भेज दिया तो ये बनेगा माइनस के और ये इधर जाएगा के एक्स तो हो जाएगा थ्री बाई टू एम ए। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस टू के अपान थ्री एम इंटू एक्स। आपको पता है मैंने सेंटर का एक्सेलरेशन निकाल लिया, यही तो मैं तभी से खोज रहा था कि मुझे मिले ताकि मैं ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखूं और सॉल्व करूं और आंसर आ जाए। नाउ कंपेयर करिए, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स तो ओमेगा वैल्यू क्या मिल गई, अंडर रूट टू के अपान थ्री एम, तो ओमेगा मिल गया। और एक बार अगर हमने ओमेगा कैलकुलेट कर लिया तो टाइम पीरियड टू पाई बाई ओमेगा से आ जाएगा, तो फिर मैंने यहाँ लिखा टाइम पीरियड इज टू पाई बाई ओमेगा, नाउ टी इज टू पाई रूट थ्री एम अपान टू के एंड दिस वन इज आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ओके चलिए, एक बार अगर आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया है तो थोड़ा फ्रिक्शन की वैल्यू निकालते हैं। फ्रिक्शन क्या है, एम ए अपान टू है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी एम ए अपान टू और ए कितना इतना, तो इसको उठा के आप ए के जगह पर रखिए तो एम बाई टू, मतलब इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे एम बाई टू, तो एम से एम कट गया, वैल्यू आ गई कितनी, माइनस के एक्स अपान थ्री, माइनस के एक्स अपान थ्री आ जाएगा इससे इसकी वैल्यू। देखिए रिपीट कर रहा हूँ क्या किया मैंने, ए के जगह पर रखा है इसको, रखेंगे ना तो टू अपान थ्री है ना, तो टू अपान थ्री तो टू से टू कटेगा और आ जाएगा माइनस के एक्स अपान थ्री, तो दिस इज द फ्रिक्शन और आ गया माइनस साइन। पता है इसका मतलब कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन आपने इधर माना है वो इधर नहीं होगा, वो किधर होगा, आगे की ओर होगा, तो फ्रिक्शन इस क्वेश्चन में आगे की ओर होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन पता करने के लिए इतना सॉल्व करके मैंने पता किया कि यहाँ पे फ्रिक्शन इधर होगा, नहीं जरूरत ही नहीं है, मैं इसके अलावा भी बता सकता हूँ कैसे। एक चीज बताइए, जब इसको आप एक्स का डिस्प्लेसमेंट देंगे, सेंटर को एक्स का डिस्प्लेसमेंट देंगे, तो जब इसकी आप एबीडी बनाएंगे तो फ्रिक्शन सेंटर पे काम करेगा, वो इधर दिखेगा, इधर दिखेगा। तो अगर मैं कहता कि ये फ्रिक्शन लेस सरफेस होता तो
जो भी ये फोर्स है बस यही फोर्स होता, ये तो होता नहीं। और ये फोर्स किधर होता? इधर होता। जब ये फोर्स इधर होता तो ये तो फोर्स सेंटर ऑफ मास पे काम कर रहा है। और जब फोर्स सेंटर ऑफ मास पे काम करेगा तो टॉर्क क्या आएगा? जीरो आएगा। टॉर्क आ गया जीरो, सिर्फ फोर्स आया तो मोशन ट्रांसलेटरी होगा, तो हर पॉइंट आगे की ओर भागना चाहेगा, हर पॉइंट ट्रांसलेटरी मोशन में आएगा। तो जब बॉटम पॉइंट भी ट्रांसलेटरी मोशन में आएगा और आगे की ओर भागेगा तो फ्रिक्शन किधर आएगा? पीछे की ओर, इधर आ जाएगा। इसका मतलब कि ये फ्रिक्शन इधर नहीं लगा होगा, इधर लगा होगा, ये इसमें भी बता रहा है। इसका मतलब फ्रिक्शन पता करने के लिए इतना सोचने की जरूरत नहीं थी। मैं तो सिंपल समझ गया कि फोर्स सेंटर ऑफ मास पे काम कर रहा है, मोशन विल बी ट्रांसलेटरी, हेंस बॉटम पॉइंट विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, नाउ फ्रिक्शन विल बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, चलिए अगले पार्ट की बात करते हैं कि अगले पार्ट में क्या कह रहा था। अगले पार्ट में कह रहा है अगर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 3/2 है तो बताइए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ प्योर रोलिंग कितना होगा। गुड, अच्छा सी बताइए, ये फ्रिक्शन तो ये बता रहा है माइनस के एक्स अपान थ्री, तो थ्री तो फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? के एक्स अपान थ्री। तो जितना एक्स होगा फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। तो जितना ही ये सेंटर दूर जाएगा बॉटम पे स्लिपिंग नहीं होने के लिए उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन की जरूरत है। नहीं, अच्छा तो अगर ये एस एच एम मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इसका सेंटर मैक्सिमम दूर कितना जा सकता है? अपने एम्पलीट्यूड के बराबर जाएगा, क्योंकि मीन पोजीशन है और एक्सट्रीम पोजीशन है, तो मैक्सिमम दूरी एम्पलीट्यूड के बराबर जाएगी। तो जब इसका सेंटर ए दूरी पे होगा तभी तो फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। इसका मतलब कि ये डिस्क जब अपने एक्सट्रीम पे होगा तो उस समय रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फॉर प्योर रोलिंग शुड बी मैक्सिमम। तो चलिए हम यूज करते हैं उस कॉन्सेप्ट का। तो चलिए हम पता करते हैं, अगर आपने इसके सेंटर को ए का डिस्प्लेसमेंट दिया होता तो ये अपने एक्सट्रीम पे होता, तो यहां पे स्लिपिंग नहीं होने के लिए रिक्वायर्ड फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता। क्यों? क्योंकि एक्स ज्यादा है तो फ्रिक्शन ज्यादा है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती? के ए अपान थ्री, इतना रिक्वायर्ड फ्रिक्शन चाहिए ताकि बॉटम पे स्लिपिंग ना हो। अब बॉटम पे मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन मिल सकता है? तो म्यू एम जी, तो म्यू कितना है? 3/2 एम इंटू जी। इससे ज्यादा फ्रिक्शन बॉटम से नहीं मिल सकता। इसका मतलब ये जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है एक्सट्रीम पोजीशन पे वो हर कीमत पे किससे कम होना चाहिए? तो मैक्सिमम वैल्यू से कम होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। तो सॉल्व कर दीजिए, तो एक वैल्यू कितनी आएगी? लेस देन इक्वल टू 9 अपॉन 2 के एम जी। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू इससे कम होनी चाहिए, अगर एम्पलीट्यूड इससे कम है तो बॉटम पे हमेशा प्योर रोलिंग होती रहेगी। ओके, तो ओके, तो हमने प्रूफ कर लिया कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू 9 एम जी अपॉन 2 के से कम होगा तो बॉटम पे स्लिपिंग नहीं होगी। तो पूछा गया था फाइंड द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, आंसर इज 9 एम जी अपॉन 2 के। ओके, तो मैंने बेसिक सॉल्व किया, लेकिन अभी आपको मैंने शुरू में बताया था कि मैं इस क्वेश्चन को IUR के सहायता से हैंडल करेंगे, तो जल्दी सॉल्व कर लेंगे, करके देखते हैं। चलिए, इसके लिए मैंने क्या किया कि टॉर्क इक्वेशन में बॉटम के बॉर्ड लिखा, क्योंकि IUR की तरफ से काम कर रहा है, फिर मैं इसी के बॉर्ड टॉर्क लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं? कई लोग इस पर क्वेश्चन भी करते हैं कि नहीं लिखा जा सकता, बट मैं अब यहां लिख सकता हूं। क्यों लिख रहा हूं ये बता दो, कि बॉटम पॉइंट का एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है, तो जब इसके अबाउट आप लिखेंगे तो सूडो फोर्स सेंटर ऑफ मास से पास करेगा नीचे को, तो इसके अबाउट उसका टॉर्क जीरो आएगा। जब सूडो का टॉर्क जीरो आ गया तो इसके बाद टॉर्क बाय अल्फा लिखिए, किसी भी सूडो फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लिखते हैं इसके बाद टॉर्क लिखेंगे, जब इसके बाद टॉर्क लिखेंगे तो के एक्स फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो आएगा, के एक्स का टॉर्क क्या आएगा? के एक्स इंटू, और ये ऐसे घुमा रहा है इस सेंस में, तो इंटू आर, और इस सेंस में घुमा रहा है तो टॉक आई अल्फा, और आई बॉटम का बट आई क्या बनेगा? तो इसके बाद एम आर स्क्वायर बाई टू एंड पैरेलल्स थ्योरम, तो एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर, इट इज 3/2 एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, और एक माइनस साइन लगा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन का टॉर्क के एक्स का टॉर्क इस बॉटम पॉइंट के बट ऐसे है और अल्फा का सेंस आपने उल्टा माना है, इसलिए एक माइनस साइन लगा लिया। देखिए यहाँ से एक आर स्क्वायर कट जाएगा तो आर अल्फा आ गया, और अभी आपने एक जगह लिखा था कि ए बराबर क्या होता है? आर अल्फा। तो इस आर अल्फा जब मैं ये लिख दूं ये क्या बन गया? माइनस के एक्स बराबर 3/2, तो अभी ए बराबर आपने आर अल्फा लिखा, तो आर अल्फा जब ए लिख दीजिए
तो जब आर अल्फा जब ए रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस के एक्स बराबर 3/2 एम इंटू ए। इसके बाद आप इस ए की जगह पे क्या लिख लेंगे, ए की जगह पे लिख सकते हैं माइनस 2k अपान 3m इंटू एक्स। और ये जो आया है और ये जो आया है क्या एग्जैक्टली सेम आया? हाँ सेम आ गया। जब एकदम सेम आ गया तो कंपेयर करा देंगे, आंसर आ गया, टाइम पीरियड आ गया। तो जिस तरीके से आपने SIR से निकाला है उसी तरीके से आप यहाँ का फ्रिक्शन भी निकाल सकते हो, क्योंकि एक बार आप SIR से निकाल लिया तो इस पे F बराबर MA लिख दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, फ्रिक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो हमने इस क्वेश्चन को फर्स्ट बेसिक अप्रोच से सॉल्व किया, सेकेंड IUR के हेल्प से सॉल्व किया, और तीसरा इसको सॉल्व करते हैं हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन के हेल्प से। क्यों करते हैं बताता हूँ, क्योंकि बॉटम सफिशियंट रफ है तो फ्रिक्शन क्या होगा, स्टैटिक होगा, और फ्रिक्शन अगर स्टैटिक है तो फ्रिक्शन का वर्णन जीरो होगा, और स्प्रिंग फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है, एनर्जी विल बी कंजर्व, तो एनर्जी कंजर्व होगी। तो हम लोग इसी इक्वेशन को एनर्जी के सहायता से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं सॉल्व करता हूँ एनर्जी के सहायता से इस क्वेश्चन को। तो जब आपने इसका डिस्प्लेसमेंट x दे दिया तो उस टाइम पे जो भी इसकी एनर्जी होगी, क्या एनर्जी, अब एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहेगी, क्यों कंजर्व रहेगी, बताया था अभी कि स्प्रिंग कंजर्वेटिव फोर्स है और इसलिए एनर्जी कंजर्व रहेगी, और बॉटम पे फ्रिक्शन स्टैटिक है, वर्क नहीं कर सकता, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क ही नहीं कर सकता है, और जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कन्फर्म है कि एनर्जी ऑलवेज कंजर्व या एनर्जी कॉन्स्टेंट रहेगी। तो मैंने पता किया कि किसी टाइम पे जब इसका डिस्प्लेसमेंट x है तो इस सिस्टम की कितनी एनर्जी है, उसको कर देंगे डिफ्रेंशिएट और हम पाएंगे कि एक्सेलरेशन और x में क्या रिलेशन है। चलिए लिखेंगे एनर्जी बराबर, अगर किसी टाइम पे इसको x का डिस्प्लेसमेंट दोगे तो इस समय इसके सेंटर के पास वेलोसिटी v होगी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी और डिस्प्लेसमेंट x हो चुका है, तो टोटल एनर्जी क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, तो एम इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ ICM, ICM क्या आएगा तो 3mr² / 2 हाफ ICM इंटू ओमेगा का स्क्वायर। अच्छा ये जो मैं ओमेगा बोल रहा हूँ और ये जो ओमेगा मैं लिखा था, इस ओमेगा में फर्क है, दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और अभी मैं जो लिखने जा रहा हूँ वो क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो कोई बात नहीं, इसको ओमेगा नॉट की तरह से लिखते हैं, लिख लिया, तो हाफ ICM ओमेगा का स्क्वायर एंड प्लस स्प्रिंग एनर्जी हाफ के इंटू एक्स का स्क्वायर। ओके, तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल रोटेशनल का सब, इट इज द नेट काइनेटिक एनर्जी प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, चूंकि एनर्जी कंजर्व रहेगी, फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो एनर्जी कॉन्स्टेंट है तो जीरो आएगी, ये क्या आएगी, हाफ एम इंटू बी स्क्वायर का 2b इंटू dv अपॉन dt इज द एक्सेलरेशन प्लस हाफ mr² अपॉन 2 और ओमेगा नॉट का डिफरेंशिएशन, एंगुलर वेलोसिटी है तो बनेगा 2 ओमेगा नॉट इंटू डी ओमेगा अपॉन dt इट इज अल्फा प्लस ये बनेगा हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशन 2x इंटू dx अपॉन dt इट इज वेलोसिटी। अब देखिए ये 2 से 2 कट गया, एक और से देखिए, और इसमें ये जो वेलोसिटी का टर्म है एक और, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, जीरो बराबर लिखिए एम वी इंटू ए प्लस ये 2 से 2 कट गया, बन गया 1/2 एम। अच्छा ये एक आर इंटू ओमेगा नॉट वेलोसिटी बन जाएगा, और एक आर को रहने दीजिए, एम आर अल्फा और एक आर इंटू ओमेगा नॉट वेलोसिटी बनेगा, बनेगा प्लस ये बनेगा हाफ के इंटू 2। अच्छा ये 2 से 2 कट जाएगा तो बनेगा के एक्स इंटू वी। और एक चीज़ और मुझे बताइए, आर अल्फा क्या ए के बराबर होगा? हाँ बिल्कुल ए के बराबर होगा। अब देखिए भी यहाँ भी है, भी यहाँ भी है, भी यहाँ भी है, कैंसिल आउट हो गया जीरो की वजह से, और ये एम ए और ये एम ए का हाफ, और इस के एक्स से बनेगा माइनस के एक्स बराबर 3/2 एम ए। अब यहाँ से आप ए की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ए बराबर 2 का टर्म इधर, तो माइनस 2k अपान 3m इंटू एक्स। अब क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ गई? अगर आ गई तो ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, कंपेयर करा दिया और टाइम पीरियड मिल गया। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इस रोलिंग मोशन के अंदर SHM सॉल्व करने के लिए हमने बेसिकली दो अप्रोच कहेंगे, एक बेसिक
एक फर्स्ट अप्रोच जो फोर्स से बना है, और इस फोर्स में मैंने दो अप्रोचेस किया, एक बेसिक अप्रोच एंड दूसरा आईओआर के हेल्प लिया, एंड तीसरा एनर्जी की इक्वेशन से सॉल्व करके आंसर बता दी। ओके, थैंक यू।